बजने में 5 मिनट है। हम बनाएंगे ये आलू, ये है महा आलू, इसको बनाएंगे, एक ही बनाएंगे अभी स्टार्टिंग के लिए। राधिका को जो है लंच देना है ठाकुर जी को भोग लगा के, उसके बाद फिर हम बनाएंगे दूसरी सब्जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं अंजना गोपी आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का दिन जो है जो जो मैं करूँगी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो अभी प्रभु जी रात को जो है यहाँ पे सब्जियाँ लेके आए थे, लगभग 2 बैग सब्जी है और ये 10 डेज़ to 12 डेज की सब्जी रहती है, मतलब 2 वीक्स की समझ लीजिए। और अभी इनको मुझे देखना है कि हरी सब्जियाँ जो है मीन्स पत्ते वाली सब्जियाँ उनको मुझे अलग निकाल के रखना है। और जैसे मूली है, मूली के पत्ते जल्दी ख़राब हो जाते हैं बट मूली फिर भी चल जाती है, तो उसको मुझे अलग करके रखना है। और मूली की जो देखती हूँ भुजिया वगैरह जल्दी बना के रख दूँगी। और बाकी मटर और जो साग आ रखा है, तो साग जो है वो मुझे आज ही कट करना पड़ेगा क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, रात को आया था तो आज ही कट करना है। मटर छील लेंगे, है ना, टाइम लगेगा तो आज ही छील लेंगे, नहीं तो जो बीच में बैठ के रात तक छील लेंगे। और बस पोटैटोस जो है वो यहाँ पर टोकरी रखी हुई है पीछे, दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पर ये ब्लैक वाली, उसमें डाल दूँगी। और बस अभी तो इतना ही है। और राधिका अभी भी स्कूल गई है, एक्चुअल में किचन एकदम ऐसा फैला होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता कि साथ के साथ सब चीज़ लगा दो, तो अभी सब सामान ऐसे एकदम फैला हुआ है और सिंक में एक भी बर्तन नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है किचन फैला है। तो बस अभी मैं लूँगी 10 से 15 मिनट, इसको पूरा अच्छी तरह से क्लीन करूँगी, मीन्स बर्तनों से छोटे बर्तन में लेके आऊँगी और धोने के लिए रखूँगी, और जो धुले हुए बर्तन हैं उनको मैं अभी तुरंत से लगा दूँगी। और राधिका चली गई है तो बस अब घर की सेवाओं में लगी। और यही टाइम जो ऐसा होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो ऐसा दिल होता है थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, लेकिन जब बैठ जाते हैं ना फिर वो टाइम बहुत लंबा हो जाता है। तो बस कभी कभी बैठ भी जाती हूँ, 10 से 15 मिनट बैठ जाती हूँ, लेकिन अभी नहीं बैठूँगी, तो फटाफट से सारी सेवाओं को जो है वो समाप्त करूँगी। और रूम्स भी जो हैं वो बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इधर उधर हो रखे होते हैं क्योंकि प्रभु जी ने भी क्लास ली है, तो उनका भी टेबल थोड़ा अरेंज नहीं है। और क्योंकि हमने भी मॉर्निंग में राधिका को मैंने स्टडी करवाया था, तो उसका भी सामान थोड़ा सा ऐसा थोड़ा हल्का फुल्का इधर उधर हो रखा है, और असाइनमेंट्स एंड ऑल वो ऐसे मतलब रख के गई है, तो वो मैं ठीक से कर देती हूँ। और राधिका ने डॉल हाउस बनाया अपना, छोटा सा एक हाउस बना रखा है, तो वो ऐसे रख के उसको भी ठीक कर देते हैं। तो चलिए अभी हम आज का व्लॉग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और मौसम अभी पहले से ठीक हो गया है, 2-3 मतलब दिन से अच्छा हो गया है, और थोड़ा सा धूप निकल गई है। और स्कूल जो है वो लेट के हो गए हैं, लगभग 10 बजे से 3 बजे तक के। तो चलिए अभी मैं आ गई हूँ ठाकुर जी किचन में, और फटाफट से मैं 15 मिनट का अलार्म लगाऊंगी और फटाफट से सारी चीज़ें समेट दूंगी। तो आप सभी कैसे हैं आप सब बताना, और आपके जो कमेंट्स होते हैं ना वो मुझे उत्साह देते हैं नए नए ब्लॉग बनाने के लिए। और तो चलिए अभी जो है फ़िल्टर भी ऑन कर देते हैं क्योंकि पानी भी फ़िल्टर हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो फ़िल्टर है वो डायरेक्ट जो वाटर होता है ना, जो पानी पीछे से आता है उस पर लगा हुआ है, तो मुझे बड़ा ध्यान देना पड़ता है जब पानी आ रहा होता है, तो फटाफट से मुझे वो ऑन करना पड़ता है। तो चलिए अभी मैं बर्तन लगा लेती हूँ और धोने वाले बर्तन डाल देती हूँ, और ये जो छिलके एंड ऑल है, क्योंकि मैंने अभी आलू बनाए थे फ्राइड पोटैटोस विद पूरी भगवान के लिए, तो वो भी मैं अभी थोड़ा फेंक देती हूँ। और बस अभी तो इतना ही एक ब्लॉग तो पूरा ऐसे ही बन सकता है, हम आप आपस में बातचीत कर सकते हैं करके। तो चलिए अभी हम आज का दिन आगे बढ़ाते हैं, और ठंड कम हो गई है पहले से, तो ये अच्छी बात है। और बहुत सारे कमेंट भी आए थे, ठंड तो माता जी बहुत ज़्यादा हो रही है, और कहीं वृंदावन से भी लिखे थे वृंदावन में ठंड, हाँ वृंदावन में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो अभी का दिन, हाँ आज का दिन हम जो है कृष्ण भावना में ऑल्टर तो आ नहीं रहा, तो जो पॉलीथीन्स या फिर कुछ ऐसे मुझे बैग मिले, क्योंकि पॉली बैग इसलिए ट्रांसपेरेंट ताकि मुझे कपड़े दिखे कि है कौन से, नहीं तो फिर मुझे सारे एक एक करके खोल के देखने पड़ेंगे, कि अगर पेपर बैग ले भी लूँगी तो मुझे नज़र नहीं आएगा कि कौन से रंग के कपड़े उसमें हैं जो मुझे पहनाने हैं, तो मैं वो डिसाइड करूँ। और बॉक्सेस तो मैं कितने ही लूँ, बहुत सारे हैं। सेवाएँ करते करते मैं आ जाती हूँ अपनी बालकोनी में
जैसे कि मैं अपने वाले घर में भी, मेरे पास वहाँ पे बालकनी थी तो मैं वहाँ थोड़ी देर खड़ी हो जाती थी और थोड़ी फ्रेश एयर ले लेती हूँ। और अब यहाँ के हिसाब से मैं यहाँ आ जाती हूँ और बस मैं राधिका की जैकेट जो है ना वो सुखाने आई हूँ, क्योंकि कल सारे कपड़े सूख गए थे हमारे, लेकिन एक जैकेट ही रह गई थी और एक टॉवल है वो मैंने गेट पे टांगा हुआ था, अभी वो भी मैं बाहर डाल दूँगी। तो चलिए आप आज का ये ब्लॉग हम आगे बढ़ाते हैं। और कभी कभी इस तरह से थोड़ी देर खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स लगता है थोड़े दो मिनट के लिए खड़े होने में भी। तो बस अभी मैं बेडरूम में और बस इसे मैं अभी फटाफट से अरेंज कर दूँगी, और जब बेड जो है वो अरेंज हो जाता है तो रूम अपने आप ही और सेट लगने लगता है। तो चलिए अभी सारी के सारी विंडोज़ भी ओपन कर देते हैं। तो आपको शायद दिख नहीं रहा लेकिन धूप जो है ना वो हल्की हल्की आ चुकी है और मैंने फिर से सेटिंग चेंज कर दी है। और ये वाली जो विंडो है इसको मुझे इस तरह से क्लिप लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से उड़ के बिल्कुल हट ही जाता है। और बस यहाँ पर आजकल मैं चैंटिंग कर रही हूँ, ये मेरा चैंटिंग एरिया है, यहाँ बैठ के मैं चैंटिंग करती हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छी रोशनी भी आती है, तो बहुत ही मुझे पॉजिटिव फील होता है यहाँ बैठ के। और यहाँ पे एक छेद है और इससे थोड़ी थोड़ी हवा भी आती है, और सोचती रहती हूँ टेप लगाऊंगी बट मैं भूल जाती हूँ। और दूसरे रूम की भी विंडोज़ मैंने ओपन कर दी, और ये बीच में जो आपको निशान दिख रहा है वो राधिका ने क्रेयॉन कलर से अपनी चित्रकला करी है। और ये कपड़े जो है वो जो मेरे को बिल्कुल बोर लगते हैं वो मैं बाद में ही करूँगी। तो बस अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, साग लेकर करके बैठ चुकी हूँ। अभी मैं सारी की सारी मैंने जो क्लीनिंग एंड ऑल कर दी है, लेकिन किचन में मैंने अभी बर्तन नहीं किया है, बर्तन मैं बाद में करूँगी। और सारे के सारे खाली कर रहे थे, प्रसादम हो गया है, और पीछे के जो बर्तन हमारे होते हैं वो मैंने वॉश कर दिए, पर ठाकुर जी के किचन के मैंने अभी वॉश नहीं करे हैं। तो यहाँ पर बस मैं बैठ गई हूँ आराम से, नीचे भगवान के सामने बैठ करके मैं अभी ये जो साग है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। तो साग का रेशियो जो रहता है वो मैं बता देती हूँ, वैसे तो मैंने पहले भी व्लॉग्स में आपको बताया हुआ है। मान लीजिए चार जो बंच है वो पालक है, और सरसों जो होएगी वो भी जो है लगभग तीन या चार तक आप रख सकते हैं। दो जो बंच होएंगे वो होएगी मेथी, और दो ही बंच होएंगे बथुआ, और बाकी तो मैं भी नहीं डालती हूँ। और सोच रही थी कि मूली के पत्ते डाल दूँ बट मैंने नहीं डाले, क्योंकि थोड़ा सा उससे अखरापन सा साग में आ जाता है और ठाकुर जी को देने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारे के सारे बैग जो मैं खाली कर रही हूँ, और ये बैग जो पुराने वाले ये मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे, और मेरे इसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह पड़े हुए थे, क्योंकि जब मैं कॉलेज जाती थी तो इस तरह के बैग्स ही मुझे चाहिए होते थे, काफ़ी पक्के होते हैं और सामान बहुत ज़्यादा रहता था, और मैं मेट्रो से जाती थी तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब उठा पटक रहती है, और सब चीज़ें सही सही सलामत जानी चाहिए एकदम। तो ये वाला बैग तब का ही है, और बस मजबूत रहते हैं, सुंदर बेशक आपको ना लगे लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो यही वेजिटेबल्स के लिए हम दो तीन हमारे पास हैं, थोड़े नए भी हैं थोड़े इस टाइप के भी हैं। और बैग्स तो देखिए आते और जाते ही रहते हैं, और बैग्स हमारे घर में जो है फिक्स नहीं रहते हैं, वो डिवोटिस के घर जाते हैं, डिवोटिस के हमारे घर आते हैं, फिर मैं न्यू खरीद के ले आती हूँ, तो ये चलता रहता है। और टिफिन्स के साथ भी हमारा ऐसा ही है, क्योंकि जब भक्त है तो भक्तों को प्रसाद वितरण भी है, हम डिवोटिस के जो टिफिन हमारे घर आते हैं फिर उनके घर हम भेजते हैं, और किसी के पास भेजते हैं नहीं आते हैं कोई बात नहीं फिर हम नहीं ले लेते हैं, तो हमारे ये सब चलता रहता है। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि जहाँ पे आपको भक्त मिल रहे हैं वहाँ टिफिन्स भी जो है ऊपर नीचे होंगे ही, तो चीज़ों की टेंशन ना लें, भक्तों की टेंशन लें और भक्तों से प्रेम करें, भक्तों के संग में रहें, और भक्ति हमारा जीवन है ये हमें समझना चाहिए, और कैसे भी करके हमें भक्तों के साथ में ही रहना है ना। तो बस यहाँ पर जो है सारी की सारी सब्जियाँ जो मैंने पीछे की तरफ रख दी, अंदर अभी भी नहीं रखी हैं, तो यहाँ पे जो मूलियाँ हैं ना एकदम फ्रेश, जैसे ये मूलियाँ आती हैं ना बस मुझे ऐसा लगता है इनका पिकल बना दो, पर मैंने सोचती तो हूँ, मैंने इस साल कुछ भी नहीं बनाया, बस एक मिर्ची का अचार बनाया, वो भी मोटी मिर्च होती है उसका। और अभी मेरे व्लॉग्स काफ़ी इरेगुलर हो गए हैं, और है कुछ रीज़न जो मैं अभी अपलोड पूरी तरह से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ सिंपली एंड ब्लिसफुल पे मैं जो है रेगुलर व्लॉग्स देने का कोशिश करती हूँ, एक दो दिन रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास मेरा पूरा पूरा रहता है। तो ये पत्ते जो है वो बहुत फ्रेश है, मूली भी एकदम बढ़िया वाली फ्रेश है, तो मूली के पत्ते जो है अलग रख देंगी, इसको एक पेपर बैग में मैं बाद में रखूँगी। तो मूलियाँ जो है इनके पराठे बन सकते हैं,
ठाकुर जी के लिए अचार बन सकता है और सब्जी भी बन सकती है, मूली की भुजिया भी बन सकती है। तो लेट्स सी क्या बनाएंगे हम ठाकुर जी के लिए, आपके साथ व्लॉग में शेयर करती रहूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने जो अभी सबसे पहले सरसों की गड्डी एक ओपन कर ली है और मैंने बिल्कुल गेट के साइड में अभी कूलर लगा दिया। ये कूलर बेचारा जो है वो कभी इधर भटक रहा है उधर भटक रहा है, तो इसको मैंने फाइनली यहाँ लगा दिया है। और मैं सामान ना इधर उधर चेंज करती रहती हूँ, सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। रीज़न ये है कि थोड़ा सा नयापन आ जाता है और दूसरा जो एक कारण ये भी है कि क्लीनिंग हो जाती है। और मुझे तो अच्छा लगता है जब सामान थोड़ा मतलब न्यू तरह से अरेंज होता है तो एक फ्रेशनेस बनी रहती है घर में, और मुझे तो खुशी सी होती है जब कुछ नई सेटिंग होती है या कुछ न्यू डेकोरेशन करते हैं या सामान इधर उधर के क्लीनिंग हो जाती है। तो आप सब बताना कि आप भी ऐसी करते हो। और जैसे मैं मम्मी के घर पे देखती थी, मम्मी का रूम सेम टू सेम है, इवन बाकियों के भी, लेकिन मेरा जो था वो ऐसा ही था। मेरा थोड़ा आगे पीछे सामान करके मैं करती रहती हूँ, स्टार्टिंग से ही मेरा जो नेचर ऐसा ही है। तो आई होप ना हम जो है आपको मैं आपको समझा पा रही हूँ कि अपनी बात। तो अभी चलिए मैंने जो है यहाँ आगे देख लेते हैं। मेथी साफ कर ली है और मैं अभी दिखा देती हूँ। एम टेकिंग होती हैं सब चीज़ें, लेकिन भगवान के लिए बनाने में बहुत अच्छा लगता है। ये रहा सरसों का साग एंड पालक, ये है कूड़ा, ये भी है कूड़ा। और अभी ये मैं वो कर रही हूँ मतलब साफ कर रही हूँ, बहुत ही फ्रेश है। तो जब आए ना मतलब तभी कर लेना चाहिए, वैसे मैं कर नहीं पाती हूँ, बट आज मैं सोच रही हूँ आज करके रख दूँ। बहुत सारी सेवाएँ मुझे अभी, बट मैं इसे कर लूँगी। और ये जो है ये है बथुआ, और एक बथुआ मैंने बचा लिया है। और ये पालक भी जो है वो एकदम बेबी पालक होती है ना, एकदम छोटी छोटी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये बेबी पालक है, बहुत बहुत क्यूट भी हैं और बहुत फ्रेश। तो इनको हमने इसी में रख देंगे अच्छी तरह से, ऐसे ही रख देंगे। जितनी हमको चाहिए उतनी निकालो, वॉश करो, डालो। देखिए मूलियों को मैं अभी एक पेपर क्लॉथ है उसमें डाल के रख दूँगी। और ये रहे कॉर्न, वो भी मैं अभी फ्रिज में डाल दूँगी। और ये खाली बैग है, इसमें कुछ नहीं है, खाली बैग्स हैं, ठीक है ना। और टमाटोज अभी ठीक है, ना सस्ते ना महंगे, ठीक ही हैं। तो बाकी सब्जियाँ जो है वो मैं अभी अंदर रखूँगी, पहले मैं साग का जो सेवा है वो कर लेती हूँ। और मुझे अभी लगेगा आधा घंटा और इसको साफ़ करने में, क्योंकि ये भी तो है। और इसको बथुए को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बथुआ जो है ना वो हमेशा हमें अलग से ही मतलब उसको इछाना भी कहते हैं, इसको साफ़ करना भी कहते हैं, वो करना चाहिए। यूपी में इछाना बोलते हैं। तो इस तरह से जो है साफ़ कर लें और अलग से ही इसको वॉश करें। कभी भी जैसे सबके साथ मिक्स करके कभी भी वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा इसमें इतनी बारीक मिट्टी होती है ना, तो इसकी वजह से सारा साग ख़राब हो जाता है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। और ठीक है, हरे कृष्णा। तो है वो मैंने धो लिया है और बस बथुआ रह गया वॉश करने के लिए। कुकर में चढ़ा भी दिया है। और ये है बड़ा वाला कुकर, लगभग ये 10 लीटर का कुकर है। इसमें क्या होता है कि ईजीली अच्छे से विसल्स आ जाती है। तो अभी मैं और डालूँगी, थोड़ा नीचे हो जाएगा ना ये, तब मैं इसमें और ऐड कर दूँगी मेथी और बथुआ भी। और इसमें मैं फिर 4 ग्लास जो है पानी डालूँगी। और इसमें हरी मिर्ची भी डालूँगी जो बिल्कुल भी तीखी नहीं है, वो डाल के फिर हम इसे सीटी लगवा लेंगे। सीटी कैसे लगवानी है? सीटी हम लगवाएंगे, 4 सीटी लगाने के बाद इसको कम पे कर देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। तो चलिए अभी हम जो है साग को तैयार करने की प्रक्रिया कर लेते हैं। और साग को बनने में देखिए टाइम तो लगता है। तो बस बथुआ मैंने बोला था ना कि बथुआ जो है ना आप उसको अलग से ऐसे रखना, ठीक है, और अलग से इसको वॉश करना है। अभी मेथी वॉश हुई है तो अब इसको मैं आराम से कर लूँगी, क्योंकि इसमें ना बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक सी मिट्टी होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही बारीक बारीक मिट्टी इसमें चिपकी होती है, और ये पूरा का पूरा ठाकुर जी का जो साग है वो ख़राब कर सकता है। तो चलिए अभी जो है उसको मैं थोड़ा सा नीचे करा था, और इसमें मैं मेथी ऐड कर दूँगी, हरी मिर्ची डालूँगी और सब्जियाँ बस अंदर रखनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, लगभग 1.5 घंटे के आसपास सारा समय लगाए, मतलब इसको करने पर 1.5 घंटा लगेगा। तो ये है, जब सब्जियाँ आती हैं तो सोते हम भी रखेंगे और तभी रखेंगे, और सारी की सारी जो ठाकुर जी की सेवाएँ इसी की वजह से लेट। और जब साग पड़ा हो और अगर साफ़ ना करा हो तो मुझे तो नींद भी नहीं आती है सही से, ऐसा लगता है मेरी आँखों के सामने ये सेवाएँ घूमती रहती हैं। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे होता है, आपके साथ भी ऐसे होता होगा 100% है। तो चलिए मैं अभी साग को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ
और पानी जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा पीछे से मतलब गर्म ही आता है, ये अच्छी बात है यहाँ पर। और डायरेक्ट वाटर आ रहा है तो मैं उसी से कर रही हूँ, और गर्म पानी हल्का सा मतलब ज़मीन का पानी आता है तो बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, तो इसलिए मैं सोचा मैं अभी ही कर लेती हूँ, बाद तो बाद ही होती है। तो बथुआ तो मेरे को कम से कम 7-8 बार पानी से निकालना पड़ता है जब तक उसका पानी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो अभी देखो कितना गंदा पानी है, है ना। तो अभी तो ये पहली बार वॉश करा है, अभी वॉश करते जाएंगे और फिर उसके बाद क्या करना है, पढ़ाई भी करनी है। कि थोड़ा सा पहले यह कि फ्रिज के अंदर सब्जियां ऐड कर देती हूँ, फ्रूट्स जो है ये जो बड़ी बड़ी टोकरियाँ उसमें डाल के ऊपर रख देती हूँ, स्पेशली पपाया। पपाया जो अभी ना बिल्कुल भी आपको तो कैसा कैमरा एंगल हो जाता है मेरा ठीक है। तो पपाया जो है ना वो थोड़ा सा कच्चा है, तो उसको मैं अभी रख दूँगी, है ना। और बाकी जो फ्रूट्स है वो अंदर जाएंगे। किन्नू एंड ऑल मैं फ्रिज के ऊपर टोकरी में डाल के रख देती हूँ, किन्नू ख़राब नहीं होते हैं, और जो जल्दी कंज्यूम करने वाले होते हैं ठाकुर जी को फटाफट से मैं भोग लगा दूँगी आज बनाना, और बनाना जो है आज और कल तक चल जाएंगे, तो कल तक उसको कंज्यूम कर देंगे मतलब भगवान को। सुबह मैं जो है अभी बनाना बीच में भोग लगा दूँगी ठाकुर जी को, और किन्नू लगा दूँगी और किन्नू सजा भी दूँगी। और आज प्लान कर रही हूँ वो अक्सर ड्रेसेस की जो पॉली बैग्स या फिर देखना पड़ेगा, अच्छे वाले बैग चाहिए अपने को, दिल्ली से तो बड़ा इजीली मिल जाते हैं, या तो दिल्ली से संडे को देखते हैं, है ना। वो ज़रूरी है क्योंकि तो अच्छे अच्छे वस्त्र रखे हुए हैं और उनको अरेंज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो चलिए अभी मैं अपना मेरा हाथ थक गया था, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, ऐसे कर लेती हूँ। तो अभी मैं वॉश कर लेती हूँ और इसको रख देती हूँ, ऐसा लगता है बहुत बड़ा सेवा समाप्त हो गया, फ़ोन ही आता रहता है। तो ठीक है, हरे कृष्णा, जगतगुरु शीला प्रपात की जय। अभी ये डेकोरेशन मैंने अभी भी नहीं उतारी है, तो पता नहीं मैं कब उतारूंगी, मुझे भी नहीं मालूम, जब तक लगेगा रखे अभी रहने देते हैं, अभी रहने ही देते हैं। तो डेकोरेशन सा लगता है, वैसे भी सारा हमारा घर ना वाइट है, तो बिल्कुल प्लेन लगता है, तो फिर थोड़ा कलरफुल होता है तो ज़्यादा निखर के आता है। तो चलिए ये नीचे चला गया, मैं फटाफट से बथुआ भी चढ़ा देती हूँ। हरे कृष्णा। एक आपको मैं फ़नी वाली बात बताती हूँ, अभी रुक जाओ, आपके साथ ना एक बड़ी फ़नी बात शेयर करती हूँ, ये सभी माता जी के साथ होती होगी आई थिंक। तो एकादशी से एक या दो दिन पहले की बात है, उसमें क्या हुआ ना कि मैंने मेरे को ना हरी मिर्च डाली थी, है ना, तो मुझे एक भी हरी मिर्च नहीं मिली। कुछ कुछ रेसिपीज ऐसी जैसे होती है ना, जैसे कि हम कर्ड राइस बनाते हैं तो उसमें मिर्च का हल्का सा एक फ्लेवर देना होता है, तो जब हम मिर्च को फ्राई कर देते हैं ना, एक मिनट कॉल आ रहा है, हाँ तो मैं बता रही थी कि जो हरी मिर्च है सूखी सूखी ढूंढ रही कि कोई ना कोई मिल जाए, तो मुझे नहीं मिली उस दिन। और फिर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें जो थी वो मंगवाई, तब यहीं पास से ही गई थी मैं, तो वहाँ से मैं थोड़ी सी हरी मिर्च लेके आई, मतलब इतनी हरी मिर्च लेके आई, ठीक है। और फिर राधिका टमाटोज लेने की, एक दिन ख़त्म हो गए टमाटर, तो उसको भी भैया ने फ्री में इतनी सारी हरी मिर्चें दे दी। और मैंने बोला प्रभु जी को कि प्रभु जी हरी मिर्च मत लाना बिल्कुल भी, क्योंकि हरी मिर्चें हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग कम ही यूज़ करते हैं ठाकुर जी की, मतलब डालेंगे तो बहुत सारी सब्जी होगी तो हम इतनी डालेंगे, और अभी आप देखोगे ना तो फिर हरी मिर्च आ गई हैं, मतलब 3 जगह पे हरी मिर्च आ गई हैं। अब इतनी सारी हरी मिर्च, मैं इसको क्या करूँगी, स्टोर करके रखूँगी। तो इसको मैं ना पहले हवा लगवा लूँगी एक प्लेट में रख के, क्योंकि जब ये गीली होती है ना तभी ख़राब होती है। हम क्या करेंगे, इसको प्लेट में इस तरह से डाल देंगे। और आप में से बहुत सारे बोलते भी पॉलीथिन, देखिए पॉली बैग ना वो हम नहीं भी चाहते वो दे देते हैं अपने को ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ ऐसे निकाल के रख देती हूँ और इनको मैं अलग रख देती हूँ। और जैसे कुछ प्रसादम पैकिंग वगैरह जाता तो इसको साफ़ करके रखती हूँ, फिर मैं उसमें मतलब डायरेक्टली इस प्रसाद इसमें नहीं डालती हूँ, मतलब बस टिफिन रखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, वैसे तो पॉलीथिन नहीं यूज़ करनी चाहिए लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, बंद होती हैं फिर ऐसी हो जाती हैं। तो बस इस तरह से जो है हरी मिर्चें जो आपको दिख रही है इनको मैं हवा लगवा लूँगी इस तरह से, और थोड़ा सा गैलरी में धूप आती है तो मैं वहाँ रख के आ रही हूँ, और उसके बाद फिर इसको मैं मतलब एक घंटे के बाद मैं फिर इसको स्टोर कर दूँगी। हरा धनिया, और हरा धनिया भी जो है वो भी स्टोर करना है,
हरा धनिया जब घर पे होता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको रख के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। और ये रही बीन्स, बीन्स को भी मैं ऐसे पेपर बैग जो है ना, पेपर बैग के अंदर डाल दूँगी। और मैंने देखा है कि पेपर बैग में जो सब्जियाँ होती है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होती, अगर इवन आप हरी मिर्च भी रखते हैं वो भी नहीं होती है। तो लेट्स सी, मैं क्या पता हरी मिर्चें जो है ऐसे ही लिफाफे में ये पेपर बैग में स्टोर करूँ। तो ये ब्लिंकिट से आए थे तो मैंने ये रखे हुए हैं संभाल के, तो मे बी मैं इसी में स्टोर करूँगी और बताऊँगी आपको कि कितने दिन चली। और हरा धनिया भी मैं ऐसे स्टोर करूँगी कि जब आप साग बनाते हो ना तो जब आप साग बनाते हो ना तो उसको काट के मत वॉश कीजिए। और ये तो आपकी मम्मी ने भी बताया होगा आई थिंक से। तो मान लीजिए जैसे ये साग है तो आप इसे मतलब काट लीजिए, आप देखा होगा मैं पूरा यहाँ यहाँ तक वो कर लेती हूँ और फिर उसको वॉश करती हूँ, है ना। इवन आप चाहे तो उसके बाद आप मतलब वॉश करने के बाद काट सकते हैं, पर मैं नहीं काटती हूँ क्योंकि वैसे ही वो बॉयल होने के बाद में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, और जब हम उसको वो करते हैं ना मधानी से तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। नहीं तो आप मिक्सी में भी हल्का सा मतलब जैसे नीचे एक बटर होता है ऐसे हल्का सा दबाइए, ऐसे ऐसे करिए दो बार, तो वो मतलब मोटा मोटा सा पिसता है और जो ऑथेंटिक जो साग होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। फिर से फ़ोन आ रहा है तो मैं आपसे मिलती हूँ 2 मिनट के बाद। और मैंने हींग की इतनी बड़ी डब्बी मंगवाई है क्योंकि मैं जो हींग है ना वो खारी बाबली से मंगवाऊंगी और मुझको स्टोर करने के लिए मंगवाई है इसमें, लेकिन अभी हींग है पूरी की पूरी हींग है। तो बस जो मुझे घर की सेवाएं अच्छी लगती हैं करने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। और जैसे कहते हैं ना हम कहीं माता जी को होता है कि नहीं हमें तो घर की सेवाएँ बड़ी बोरिंग लगती है, तो मुझे जो घर की सेवाएँ हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। और ऐसा नहीं कि मैं शुरू से ऐसे ही हूँ, मैं शुरू से ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग थी और मैं क्या करती थी मतलब फुल जॉब पे ही रहती थी, और लेकिन मुझे साथ साथ में घर भी अच्छा लगता। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने ठाकुर जी के लिए, मुझे बनाना नहीं आता है, मैंने जैसे मम्मी से ऐसी देख देख के सीखा है, तो मुझे सीधा उल्टा ही बनाना आता, लेकिन मैंने फिर भी मतलब कोशिश करा कि मैं ट्राई करूँ। और इस तरह से मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब मुझे अच्छा लगता है बनाना, है ना। और ड्रेसेस जो है वो मैं डिज़ाइन मेरे को मतलब मैं जैसे मान लीजिए अगर मुझे ठाकुर जी का ड्रेस बनवाना है तो मैं वो डिज़ाइन कर सकती हूँ और जो बनाने वाले को मैं बता सकती हूँ कि मतलब कलर कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए और इसमें आप ये लगा सकते हो। मैं बना नहीं पाती हूँ लेकिन मैं वो मेरे अंदर वो है कि मैं बता सकती हूँ कि वो कैसे अच्छा लगेगा, मैं इसे डिज़ाइन कर सकती हूँ। और जैसे कि डेकोरेशंस होती हैं तो उसमें भी मेरे को मतलब मैं डिज़ाइन कर सकती हूँ, बट बना भी सकती हूँ लेकिन मुझे मतलब डिज़ाइनिंग वाला जो पार्ट है वो मेरा ज़्यादा अच्छा है। तो इसी तरह से देखिए, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो माता जी होती हैं उनको ठाकुर जी का सेवा आना चाहिए, पर इतना आना चाहिए कि वो ठाकुर जी को भोग लगा सके। तो सिंपल सिंपल कुछ रेसिपीज़ जो हैं जैसे दाल चावल सब्जी चपाती कुछ एक दो मीठा बनाना हुए आना चाहिए, है ना। और धीरे धीरे आप देखोगे जब ठाकुर जी की सेवा में लगता है ना तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं, और फिर आप नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते हैं ठाकुर जी के लिए, क्योंकि ठाकुर जी की जो सेवा होती है ना उसमें एक अलग आनंद होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आधी बाजू का स्वेटर पहना, मुझे लग रही है बहुत ही ठंड, तो बस मैं अभी ना प्रभु जी तो धूप में चले गए हैं और मैं रह गई हूँ घर पर, तो बस मैं फटाफट सब्जी रख लूँ। मैं सुबह से ये बोल रही हूँ सब्जी रख लूँ सब्जी रख लूँ सब्जी रख लूँ, तो अब मैं फाइनली 5 मिनट 10 मिनट लेके सब्जी रख लेती हूँ। साग जो है वो मैंने चढ़ा दिया है और वो आराम से बनता रहेगा, अब उसका मुझे कोई चिंता नहीं है। और बस ये जो है मुझे पेपर बैग्स में इनको फटाफट स्टोर करना है, वॉश नहीं करेंगे ऐसे ही, और जब चाहिए तो थोड़ा सा निकाला वॉश करा एंड डाला ठाकुर जी के रेसिपीज़ में। तो ठीक है, बहुत ही जल्दी मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। हरे कृष्णा।